दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मोदी सरकार की इस योजना से सबको मिलेगा अपना घर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी टूटा हुआ मकान है या फिर खपड़ैल है तब आपको मोदी सरकार की तरफ से मकान दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको फ्री मकान कैसे मिल सकता है, कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बताएंगे कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताएंगे कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ सरकार की इस योजना से मिलेगा सबको अपना मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के उन तमाम नागरिकों के लिए है अर्थात जो रूप से कमजोर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक देश भर में सभी नागरिकों के लिए लक्ष्य रखा गया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने 2022 तक सबको अपना पक्का मकान दिया जाएगा ये वादा किया है। साथ ही में जो कच्चे मकान या झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था की जाएगी। जी हां दोस्तों, 2022 तक सबको अपना पक्का मकान हो जाएगा। 81,975 रुपये खर्च होंगे। साथ ही में इस बात का भी लक्ष्य रखा गया है 2016 में 2019 के बीच 1 करोड़ घरों को पक्का बनाने की अर्थात मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि देश के जो हिस्से दिल्ली और चंडीगढ़ के छोड़कर बाकी पूरे देश में इस योजना है। इस योजना के अंतर्गत मकान की कीमत केंद्र और राज्य के बीच बांटी गई है। मई 2014 को संसद में अयोध्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने घोषणा की थी जब तक देश के स्वतंत्र तक 75 वर्ष 2022 में पूरे करेगा, हर परिवार के पास पानी के कनेक्शन शौचालय की सुविधा आने तब आपको 2022 तक आपका पक्का मकान हो जाएगा। मोदी सरकार आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी। अगर आप अर्थात रूप से कमजोर थे, कम आय वर्ग, आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपकी जो सालाना आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना से आप अपनी भागीदारी देकर अपने लिए एक पक्का मकान की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए अर्थात रूप से कमजोर है तो इसके लिए भी सरकार उसकी मदद करेगी। बस इसके लिए व्यक्ति की खुद को अर्थात रूप से कमजोर वर्ग में दर्शाया करना होगा। जी दोस्तों, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है जो मोदी सरकार सबको 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।